इसी हॉस्पिटल के अंदर गोविंदा जी को एडमिट कराया गया है गोली लगने के बाद। इधर देखिए पूरी पुलिस फोर्स भी तैनात है, मीडिया भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी अभी हॉस्पिटल के अंदर से गोविंदा जी ने खुद अपने हालत के बारे में बताया है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू के गुलमोहर रोड पे, जहां पर है क्रिटी केयर एशिया हॉस्पिटल। और इसी हॉस्पिटल में सुपर स्टार बॉलीवुड के महान नायक गोविंदा जी एडमिट है। भाई आप सभी को पता होगा कि आज मॉर्निंग में 5 बजे उनके पैर में गोली लगी थी और उसी की वजह से यहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है। आखिर ये गोली कैसे लगी है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और गोविंदा जी की जुबानी भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग हमारे सामने देख सकते हैं हॉस्पिटल के सामने बहुत ढेर सारी मीडिया पहले से इकट्ठा है और यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी हो चुकी है और इसी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है। अभी तो उनके पैर से गोली निकाल दी गई है लेकिन अभी भी उनको इसी में एडमिट किया गया है। फिलहाल आज उनको शायद डिस्चार्ज ना मिले, कल उनको डिस्चार्ज मिलेगा। अभी भी उनकी पत्नी उनके बेटे ना इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और इधर उनके चाहने वाले उनके फैंस लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और उधर देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये है मेन गेट। तो इस वीडियो में गाइज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गोविंदा जी ने क्या कहा है, उनको किस तरह से गोली लगी है। कहा जा रहा है कि सुबह में कोलकाता जाने वाले थे और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उनकी जुबानी पूरी बातें सुनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर मीडिया वाले मौजूद हैं, रिपब्लिक भारत वाले भी, NDTV वाले भी और TV9 भारत वर्ष वाले ही। और इसी में हमारे गोविंदा जी अभी भी एडमिट हैं और बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। इधर उनके सभी फैंस लोग आए हुए हैं उनको देखने के लिए, पूरा पीछे तक क्राउड है और इधर पूरा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। भाई इसी हॉस्पिटल के अंदर वो अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों अभी हम उस अस्पताल के सामने ही खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लाइव नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप सभी को बता दें बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ ना 1 अक्टूबर को यानी आज के दिन बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक्टर को अपनी ही लाइसेंसी रिवाल्वर से पैर में गोली लगी है। रिवाल्वर का लॉक खुला रहने के कारण ना ये हादसा हुआ है। वो उसे साफ कर रहे थे, अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई जो उनके पैर में घुटने के नीचे जा लगी है, जिसके बाद उन्हें इसी अस्पताल में ICU में एडमिट कराया गया है। फिलहाल गोली अब निकाल ली गई है और गोविंदा जी ने एक ऑडियो क्लिप के द्वारा ना अपना हाल चाल भी बताया है जो मैं आपको आगे सुना देता हूँ। भाई नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। दोस्तों अभी गोविंदा जी कैसे हैं आप लोगों ने उनकी जुबानी खुद ही सुन ही लिया होगा। और उनकी बेटी टीना ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये ना कोलकाता में एक इवेंट में जाने के लिए गोविंदा जी अपने आवास से निकल रहे थे तभी ये हादसा हुआ है। इसी क्रिटी केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है, पैर से गोली निकाल दी गई है, अब एक्टर की हालत काफ़ी ठीक बताई जा रही है। उनकी बेटी जो है टीना आहूजा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त पापा के साथ हैं पूरी फैमिली और पापा पहले से बेहतर हैं। पापा का ऑपरेशन चल रहा है यानी उनकी सर्जरी भी कराई गई है। पापा 24 घंटे तक ICU में रहेंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोविंदा जी के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर केस में रख रहे थे तभी उसके हाथ से रिवाल्वर गिर गई और गोली चल गई जो उनके पैर में लगी है। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है। और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी गोविंदा से फ़ोन पर बात कर हाल चाल ली है। इतना ही नहीं गाइस, कहा जा रहा है कि गोविंदा जी के गोली केस में घर में जितने भी सदस्य उस समय मौजूद थे पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने एक्टर की बंदूक भी अपने कब्जे में ले ली है और वह इस मामले की केस में जांच करना शुरू कर दी है कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल गोविंदा जी ने अपना पूरा बयान दे दिया है कि उनको गोली कैसे लगी है। वो कोलकाता में एक इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे थे और 4:45 यानी 4:45 ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसे गोविंदा जी के पैर में गोली लगी है और उसके बाद वो इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे तक उनका जो इलाज है
वो इसी हॉस्पिटल के अंदर चलेगा। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं, इधर देखिए इंडिया टीवी भी आ चुकी है भाई, सभी मीडिया वाले आकर यहाँ पर न्यूज़ चला रहे हैं, पीछे पूरी पुलिस फोर्स भी तैनात है, इधर पुलिस की गाड़ियाँ तैनात हैं और इधर सामने देखो पूरी मीडिया अभी भी बैठी हुई है क्योंकि लगातार उनके रिलेटिव का आना जाना लगा रह रहा है। और यही वो हॉस्पिटल है जिसके अंदर हमारे सुपरस्टार गोविंदा जी एडमिट हैं भाई। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग भी यहीं पर मौजूद हैं, हमारे पीछे आप लोग जो हॉस्पिटल देख रहे हैं इसी में गोविंदा जी का इलाज चल रहा है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी सामने आई है वो मैंने आपको बता दिया है, जो भी अपडेट आती रहेगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।